देश परदेश में आपका स्वागत है। पिछले दो एक दिनों में बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। आजकल हर रोज़ाना कोई ना कोई बड़ी बात हो रही है, समाज के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, भविष्य के नाम पे। उनमें से बहुत दिनों बाद, कई साल बाद शायद, 13 पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां या जो स्थानीय पार्टियां हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में है, ऐसी 13 पार्टियां उनके अध्यक्षों ने मिलकर एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखी राष्ट्र के नाम, एक अपील करते हुए। उन जाहिर अपील तो उनके पास होगी जो शासन चला रहे हैं। उन्होंने अपनी वेदना जाहिर की जो आजकल हो रहा है उसके बारे में, और उन्होंने कहा कि जो आपसे कहते रहे कि कोई नेता क्यों नहीं खड़ा हो रहा, इस बार 13 नेता, 13 पार्टियों के, और उनमें नाम है सोनिया गांधी का, शरद पवार, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, तमिलनाडु के सीताराम येचुरी, जेएनयू के और सीपीएम के, और हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, डी राजा, देवव्रत विश्वास, मनोज भट्टाचार्य, पीके कुनहाली कुट्टी और दीपांकर भट्टाचार्य जी। ये इन पार्टियों में जाहिर आप समझते हैं, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार की, ममता की, तृणमूल, स्टालिन की, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, झारखंड की जेएमएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरजेडी, फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वगैरह हैं। इनमें जो बड़ी पार्टियां नहीं हैं उनमें एक मान लीजिए बहुजन समाजवादी पार्टी अखिलेश की, और आप उनमें नहीं है। तो जो समीकरण बन रही है, आपको एक अंदाज लगेगा कि कौन कहाँ है। इन सब ने ये आग्रह किया है, जो ने बात कही है अपनी वेदना के साथ, कि जो भी सोशल मीडिया में देखते हैं उसके आधार पर उन्हें लगता है कि हर चीज़ पे, चाहे वो पहनावा हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, उन सब पे एक समुदाय के खिलाफ जो चीज़ें हुई हैं उसके खिलाफ उन्होंने एक ये प्रण किया है कि वो जो समाज में जो एक सौहार्द का भाव है उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और वो अपना विश्वास, अपना कमिटमेंट, उसके बारे में बातें करते हैं, और वो अपने विश्वास की बात भी करते हैं कि इस देश में तरक्की तभी होगी जब हम सबका आदर करेंगे और सभी विचारों को एक तरह से साथ लाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने फिर सबसे लोगों से अपील की है कि वो सब इस भावना से आगे बढ़ें। और इसमें जो उन्होंने कहा है कि ये अपील बीजेपी को नहीं है, ये अपील सरकार को नहीं है, ये अपील लोगों को है। लेकिन 13 पार्टियां साथ आईं, उन्होंने अपने इसमें एक साथ दस्तखत किए, बैठे, उन बात की। उसके जवाब में भाजपा ने जो चिट्ठी लिखी है वो बहुत रोचक है। देखिए तो यहाँ जो 13 पार्टियों ने बात की, उन्होंने देखा कि हम देख रहे हैं जो मीडिया सोशल मीडिया तक पहुंच जाता है, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया दिखाता नहीं है, तो जो हम देख रहे हैं उसके आधार पे हमारी ये भावनाएं हैं, हमारी ये समझ है, उसके आधार पे हम कहना चाहते हैं, हमारा ये विश्वास है कि हम इस देश में सौहार्द को मजबूत करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी कदम उठाना है हम सभी उठाएं। अब 13 राष्ट्रीय पार्टियां अगर इस तरह साथ जुड़े तो अपने आप में बहुत दिनों बाद एक बहुत बड़ी बात हुई है एक तरह से। अब उसके जो जवाब में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत नड्डा जी ने एक चिट्ठी लिखी, उनमें जो उन्होंने कहा है उसमें मुझे ताज्जुब यह होता है कि वो कैसे ऐसी बातें कह जाते हैं, क्या उनकी ऐसी समझ है, अगर है तो हम उसके साथ पढ़ते। चिट्ठी उनकी अंग्रेजी में है जो मेरे पास है, हिंदी में होगी तो मेरे पास नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये ऐसा वक्त है जब दुनिया की आंखें, निगाहें भारत पर हैं। 135 करोड़ के देश के लोगों में जो लगता है, लोगों को लगता था कि कोरोना में ये अपने आप में परेशान हो जाएगा, वो दुनिया की फार्मेसी बन गया है। जान लीजिए कि भारत दुनिया की फार्मेसी बिल्कुल नहीं है। फार्मास्यूटिकल में भारत का नंबर पहले 10 में नहीं आता। हमारे यहाँ कोई अपनी दवाई नहीं बनती, हम वही बनाते हैं जो दुनिया बनाती है, उसकी नकल करते हैं, और हम फार्मेसी नहीं हैं किसी भी तरह से।
और आज की तारीख में जैसे देखा आपने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया कि उन्होंने हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को लेकर के जो हमारी जो वैक्सीन है उसकी टेस्टिंग करने पे भी रोक लगा दी और अमेरिका ने उसको बैन कर दिया। ये बात पिछले दो हफ्ते की है। तो हमारी हम फार्मेसी नहीं है, कहते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो खुली अर्थव्यवस्था है, सबके सामने है और जो आजकल सुधार किए गए हैं उससे हम बहुत संपन्न हो गए हैं। ये बात आप जानते हैं कि 2014 से हमारी राष्ट्रीय आमदनी करीब 20% घट चुकी है पिछले 8 सालों में। ये भी कहा कि इस बीच में जो गरीबी है वो भी कम हुई है। जितनी सारी रिपोर्टें हैं वो कहती हैं कि जितने लोग करीब 27 करोड़ लोग यूपीए की सरकार में गरीबी रेखा के ऊपर उठे थे और पिछले 8 सालों में करीब उसके आधे गरीबी रेखा में फिर वापस चले गए उसके नीचे। फिर कहते हैं कि जो भारतीय राजनीति में जो 8 साल बड़े परिवर्तन हुए हैं, और फिर कहते हैं कि जो चीज़ें हम समझते थे कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उसमें उन्होंने एक और शब्द इस्तेमाल किया जो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कोई कैसे कह सकता है कि डस्टेड एंड रस्टेड। ये अच्छा लगता है कि सुनने में अच्छा लगता है कि डस्टेड और रस्टेड। रस्टेड माने होता है कि इसमें जंग लग गई हो, डस्टेड माने तो उसको साफ कर लिया गया हो। तो अब जो भी लेक्सन की अंग्रेजी अब जैसी है वैसी है, उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारी समझ में बात नहीं आ रही है ना कह सकते हैं, और शायद मैंने कम पढ़ा लिखा हूँ मैं उनसे, हो सकता है, लेकिन जो उनकी भाषा है मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आती। तो उनका अब तक जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती थी, अब हमने उसको बंद कर दिया। हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते और हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, विश्वास और प्रयास की बात करते हैं। अब आप जानते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए, ये तो दावे हैं। फिर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ दो तरह की आज राजनीति है, एक NDA की राजनीति है जिसमें जो सब काम कीजिए और पेटी पॉलिटिक्स ऊपर जाइए, और दूसरी जो है उसमें जो बाकी जो पार्टियां हैं वो जोड़ तोड़ के हमको सिर्फ हमारी जो क्या कहते हैं हमारे हौसले को कम करना चाहती हैं, वो हम ऐसा नहीं होने देंगे ऐसा कुछ। तो फिर कहते हैं कि हम जो रिजेक्टेड लोग हैं जो कि पार्टियां, यानी कि उसमें जो पूरी भाषा है उस भाषा में सौहार्द की जगह एक आक्रमण है, आक्रामक भाषा है, उसमें उनको नीचा दिखाने की बात हो रही है कि जो रिजेक्ट हो गए हैं, जो रिजेक्ट हो गए हैं पॉलिटिकल, ऐसी पार्टियां जो हैं वो सब वोट बैंक की बात करती हैं, लेकिन जो आपकी शर्मनाक जो घटनाएं हो रही हैं जैसे राजस्थान में इधर, वो आप क्यों भूल जाते हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। और उसके बाद जो उन्होंने जो एक बातें कही हैं उसके साथ, जब उन्होंने गिनाना शुरू किया कि जो वारदातें जो सांप्रदायिक हुई हैं वो सब कहते हैं 1986 के नवंबर में शुरू हुई थी, और जब इंदिरा गांधी ने साधुओं के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया था, जब वो मांग करने आए थे कि गोहत्या बंद हो, ऐसी बात उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने सिर्फ राजीव गांधी, सोनिया गांधी इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को सारा दोष दिया। दंगों की बात की गुजरात में 69 में, मुरादाबाद 1980, भिवंडी 84, मेरठ 87, जो भी है उसमें गुजरात 2002 बिल्कुल भूल गए, उसकी जिक्र तक नहीं है। फिर कहते हैं कि हम सबको याद दिलाएं कि ये जो UPA जो है वो हमेशा कंट्रोल में रही इन सब बातों के, वो इसके आगे बढ़ ही नहीं पाते UPA के आगे, कि 8 साल के बाद भी उनको UPA का संदर्भ दिए बिना कोई कोशिश कर नहीं पाते। और वो कहते हैं कि जो सबसे भयानक चीज़ें जो दलितों और ट्राइबलों के खिलाफ हुई हैं वो सब कांग्रेस के ज़माने में हुई, और इसी कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को हरवाया था पार्लियामेंट्री चुनाव में। वो बातें ला रहे हैं 1952 के आसपास की, 1952 में अंबेडकर कांग्रेस से हार गए, वो चुनाव हारे थे, वो लड़े और हार गए। उन्होंने उसके उस पर भी एक आक्रमण हो रहा है 2022 में कि कांग्रेस ने अंबेडकर को हरवा दिया था। तो इसमें जो है कोई सौहार्द की बात नहीं है, ये सिर्फ एक आक्रमण हो रहा है। तमिलनाडु में भी कहते हैं कि उन्होंने भी हमारे खिलाफ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ भी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और वो उनको शर्मनाक लगती है जो पश्चिम बंगाल और केरल की राजनीति है। और महाराष्ट्र में उनके जिक्र किया कि वहाँ के दो कैबिनेट मिनिस्टर को
हमने गिरफ्तार कर लिया, यानी कि वो जेलों में हैं। आप ये जानिएगा कि गिरफ्तारी की गई है, सेंट्रल एजेंसी ने की है। ऐसा पहले नहीं होता था कि सेंट्रल एजेंसी बिना परमिशन के वहाँ पहुँच जाए, किसी को गिरफ्तार कर लें। खैर जो भी हुआ है वो उसका भी जिक्र कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं इसमें पूरे में सौहार्द की जगह कि जितनी भी गैर भाजपा पार्टियां हैं वो सभी एक तरह से उनके हिसाब से जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करती थी और उनके ही जमाने में दंगे होते थे और हमारे जमाने दंगे नहीं होते। जबकि सच ये है कि 8 साल में जितने छिटपुट जो कुछ हो रहा है एक समुदाय के खिलाफ और जैसा माहौल बना है ऐसा देश में 75 साल में कभी नहीं रहा। तब एक दंगे होते थे और दंगे होके बाद खत्म हो जाते थे। आज वातावरण ऐसा बना हुआ है, भय का वातावरण ऐसा है कि वो समझ में नहीं आता कि कोई कैसे उसमें जिए। लोगों ने ये सब चीज़ें हो रही हैं उसको एक आम बात मान लिया है। लोग हमेशा जीना सीख लेते हैं। आप ये जानिए कि जो नाजी जर्मनी था वहाँ भी वहाँ के यहूदी भाग सकते थे लेकिन किसी को ऐसा भरोसा नहीं था कि हो जाएगा। जब एकाएक वो सब पकड़े गए तब उन्होंने भागना शुरू किया, कुछ बच के निकल गए लेकिन ज़्यादातर कन्नड़ संहार हुआ। तो ये कुछ मानवीय प्रकृति है कि लोग भागते नहीं हैं उन चीज़ों से, उनमें ये लगता है ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो मेढक जो है उसको धीरे धीरे उबाला गया है पिछले 8 साल से, उसमें धीरे धीरे जो ये चीज़ें हैं नॉर्मल हो गई हैं कि ऐसा होता रहता, छुप बातें होती रहती हैं, थोड़ा डर लगा रहता है। लेकिन इस बात के लिए सबके लिए उन्होंने विपक्षी पार्टियों को दोष दिया। अब असलियत यह है कि अगर 2014 के पहले जो बातें भाजपा ने इलेक्शन के दौरान की अगर उन पे वो काम करते और उन पे सफलता पाते तो ये सब बात करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने बात तो की कुछ वादों की जिसके आधार पर हम चुनाव जीते और उनके इरादे कुछ और थे, उनके इरादे थे भगवा इरादे थे। तो आज की तारीख में जब कोई भगवा झंडा लगाता है मस्जिद के ऊपर तो उसके साथ पुलिस भी खड़ी होती है, वो देखती रहती है, कुछ करती नहीं है। उससे हम क्या बोलेंगे, क्या ये राज्य करा रहा है, क्या राज्य का समर्थन है, राज्य का मूक समर्थन है, या वो इसके खिलाफ नहीं जाना चाहते, इसे कैसे भी आप देखें लेकिन उसका नतीजा तो एक ही है। तो आप जैसी रास्ता जो भी हो नतीजा एक है। ऐसे माहौल में जो नड्डा जी की चिट्ठी है उस पर देशवासियों को जवाब देना चाहिए। उनकी चिट्ठी में हम कभी भी कोशिश नहीं करते कि किसी को कहें कि आप गलत हैं, हम ये कहते हैं कि आप बताएं कि आप सही कैसे हैं। अगर उस तरह हम चिट्ठी लिखेंगे तो एक छोटी सी चिट्ठी नड्डा जी के पास जानी चाहिए हर देशवासी के पास से, नड्डा जी ये बताइए आपने इस पर जितनी बातें कही हैं उनमें लगता है कि आप किसी को दोष दे रहे हैं, ये दोष देने वाली चिट्ठी है। लेकिन आप तो नेता हैं, देश के नेता हैं, आप दोष ना दें, आप तरीका निकालें कि जो भय है खत्म हो जाए। ये भय विपक्षी पार्टियां नहीं पैदा कर रही हैं, वो तो आपसे गुहार कर रही हैं कि कैसे सौहार्द लाया जाए। लेकिन आपके लोग ऐसा कर रहे हैं, बजरंग सेना ऐसा कर रही है, श्रीराम सेना ऐसा कर रही है, उनको कैसे रोकोगे आप? जब इस तरह की बातें होती हैं तो आप क्यों नहीं कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए? आपने दोष दिया, आपने कहीं ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सवाल यह है कि अगर आप राष्ट्रीय नेता हैं सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के आज, तो आपसे कुछ उम्मीद हम करते हैं नागरिक के नाते, वो ये कि शांति हो हर जगह, समृद्धि हो, सही बातें कही जाएं, प्रधानमंत्री हर 3 महीने पे प्रेस से बात करे, आमने सामने बात करे, छुप के बात न करे। सरकार ने अगर 8 साल में कोई प्रेस इंटरव्यू नहीं दिया है तो उसने जो एक जो खंभा है लोकतंत्र का उसको तो बिल्कुल निकाल ही दिया। फिर आपने, फिर तो आपके जो जनतंत्र है उसके 3 पहिए रह गए। उसमें से आपने जुडिशरी को ऐसा कर दिया है कि सब लोग मानते हैं सच जो भी हो, अगर लोगों में ये भावना है कि ऐसा आज की तारीख में जुडिशरी से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हम, अगर कभी कभार मिल जाता है तो लगता है कि हाँ कुछ जान बची है, और जो एग्जीक्यूटिव है वो सिर्फ आपकी बात मानती है।
जो पुलिस वाले हैं अपना काम नहीं कर पाते क्योंकि उनके ऊपर जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो उनको या जो समझते हैं कि सरकार ऐसा चाहती है उस दिशा में काम करते हैं, और न करें तो उनका तबादला हो जाएगा, तरक्की नहीं होगी, कोई सस्पेंशन हो जाए, कुछ ना कुछ उनके साथ बुरा हो जाएगा। तो फिर जो कार्यकारिणी को आपने बिल्कुल बधिया कर दिया, न्यायपालिका जो लोग देख रहे हैं उनको विश्वास उतना नहीं रहा, मीडिया बिल्कुल ख़त्म सी दिखती, सिर्फ आपका भोंपो बन गई है। तो ये जो खंभे हमारे लोकतंत्र के हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। इसमें अगर आप चाहें नेता की तरह, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं आप ये कह सकते हैं कैसे ये चीज़ें ना हो, कैसे हिंसा ना हो, कैसे शांति रहे, उसका तरीका आपके पास है, आप जानते हैं, क्योंकि आपके लोग ही ऐसा कर रहे हैं, उनको आप रोक सकते हैं। वो रोकी जो आपने वादे 2014 में किए थे वो पूरे कीजिए, वो नहीं जो आपने जनता के बीच में वादे किए उनके पीछे आपका जो मंतव्य था वो तो आपने पूरा कर लिया, अब जो बड़े वादे थे वो भी पूरा कर लीजिए, लेकिन शांति सौहार्द और तरक्की के साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस बात के साथ अगली पैदाम तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।